जैसे मैडम ने पेपर बनाए। अब तो मेरा दिल रातों में रोता है, क्या करूँ हाय, याद नहीं होता। नंबर जो इतने अच्छे लाने लगे हो, लगता है पर्चियां तुम चलाने लगे हो। नकल तो की थी हम दोनों ने मिलके, अकेले तुम ही क्यों टॉप। पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई, नकल पे रख आस, उठा रजाई सो जा बच्चे, रब करेगा पास। नटूरे नटूरे फटूरे फटूरे सोच लो जी सोच लो जी। इजलैंड इजलैंड। अच्छा बता इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं तुझे मार दूंगा। इंग्लिश गई भाई रे, पहले हाथ तो लगा के दिखा। चारों ओर पढ़ाई का साया है, एग्जाम में जीरो आया है, हम तो यूं ही चल देते बिना मुंह धोए एग्जाम देने, और दोस्त कहते हैं लगता है रात भर पढ़कर आए। अरे मैं आदर्श बोल रहा हूँ, एग्जाम कैसा गया तेरा? मैथ्स के क्वेश्चन कैसे थे? बहुत हार्ड बहुत हार्ड। तेरे पास जो बैठी थी उससे हेल्प ले लेता, उसने क्या कहा? नहीं दिखाना। फिर तूने क्या कहा? ओ मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, धीरे चल कोई गाय नहीं है बस। ऑटोमेटिकली डंगर्स डंगर्स प्याजी लोगे प्याजी लोगे। गुगली गुगली सी सी टप टप। बच्चों बताओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर एग्जाम के एक दिन पहले सबके दिमाग में तीन चीजें चल रही होती हैं। मुझे सब आता, मैं पेपर तबाह कर दूंगा। दूसरा, कुछ नहीं आता, मैं आत्महत्या कर लूंगा। तीसरा, मैं यहाँ से भागकर कहीं दूर पहाड़ों में अपना मुंडन करवा के एक बुद्ध का जीवन व्यतीत। सीबीएसई यार इतना हार्ड पेपर सेट करती है ना, मेरा मन करता कभी जाके इनसे पूछ के आऊं क्या क्या दुश्मनी हमसे। मेरे बाप ने तेरे दादा वादा कुछ बिगाड़ा है क्या? कैसे वो क्वेश्चन आए सारे ऊपर से जाए, उसकी माँ का जो ऐसा पेपर बनाए। नहीं आ रहा सम। मिसाल मैंने सुना है तू इंग्लिश के पेपर में फेल हो गया। अनपॉसिबल, हु द फक टोल्ड यू? आई देखा माय रिजल्ट यस्टरडे, आई पास्ड अवे। चल भाई यार बात मत करूंगा। ओके बाय। पहले आते हैं अच्छे सब्जेक्ट, फिर आते हैं बुरे सब्जेक्ट, फिर आते हैं बहुत बुरे सब्जेक्ट, फिर आती है मैथ। मैथ मैथ कहती है 3000 किलोमीटर की स्पीड से एक प्लेन उड़ के जा रहा है, 60 के एंगल से उसको आके हवा लग रही है, पायलट की एज बताओ। क्यों भाई क्यों और कैसे भाई? पायलट मेरी बुआ का लड़का है, मैं उसकी एज निकाल लूंगा क्या भाई क्या? एग्जाम पास आए क्यों परेशान हो जाए, कैसे कैसे मैडम ने पेपर बनाए, अब तो मेरा दिल। एक्चुअली सर मुझे ना एक डाउट था, ये जो फिफ्थ चैप्टर में थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिखा है तूने, कौन सा जंगली माल फूक के लिखा है हा? और ये थर्मोडायनेमिक्स क्या है? हाँ क्या है थर्मोडायनेमिक्स? तेरी माँ आकार लॉ ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। कितना पढ़ गया है? कितना पढ़ गया है भाई? तुम गलत आदमी तो पूछ रहे हो, मैंने तो लू भी ना पता पेपर किस चीज का है। वैसे पेपर किस चीज का? केमिस्ट्री। कौन सा मिस्त्री? बच्चों बताओ कौन सा प्लैनेट सूरज के सबसे करीब है? सबसे करीब। बताओ जल्दी। बता रही हूँ ना, मर्क्यूरी है। बिल्कुल सही जवाब, मर्क्यूरी है। रोल नंबर वन। यस सर। क्लास नर्सरी। शर्म नहीं आता है? इतना बड़ा शरीर हो गया है अभी नर्सरी में पढ़ रहा है, आपको भी तो शर्म आना चाहिए। क्यों इतना बड़ा शरीर लेकर आप भी तो नर्सरी में पढ़ाते हैं? ये गाना ट्वेल्थ वालों के लिए। दिल ने ये कहा है दिल से, एग्जाम आ गई है फिर से, मेरे दोस्त मेरे दुश्मन तुम भी रिवीजन कर लो, जितना पढ़ लिया है तुमने उतना काफी नहीं है दोस्तों, मेरी बातों को समझो, तुम भी ट्वेल्थ पास कर लो, तुम भी ट्वेल्थ पास। पढ़ाई
कोई बरसा देना तू पेपर आया है, तेरे और मेरे पढ़ने का मौसम आया है, सबसे छुपा के हमें पेपर कराना है पढ़ाई के ख्याल। इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर एंड नॉन इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड गर्लफ्रेंड। आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। समंदर जितना लंबा सिलेबस होता है, नदी जितना हम पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना भर के हम याद कर पाते हैं, मग्गे भर जितना हम लिख पाते हैं, और इन सब को मिला के चुल्लू भर नंबर लाते हैं, फिर भी मुस्कुराते हैं। अप्पू आज रिजल्ट आना था तुम्हारा, क्या हुआ रिजल्ट में? पापा आपने बोला था ना कि अगर तू फेल हो जाए तो मेरे को बाप मत बोलियो। हाँ तो रोशन लाल तूने अपने बाप कहलवाने का हक खो दिया। हिंदी के एग्जाम में पत्र लेखन इतने फालतू। अपने पड़ोसी को क्रिकेट की बाल वापस करने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखो और उन्हें ये भी बताओ तुम्हारा छोटा भाई खेल कूद में ज्यादा ध्यान दे रहा है, पढ़ नहीं रहा है। नहीं, पढ़े लिखे लोग ऐसे ही तो करते हैं। अगर पड़ोसी के घर में बॉल चली जाए तो तुम क्या करोगे? उनके घर पे घंटी बजा के उनसे बॉल मांगोगे? अरे हट अनपढ़ गरीब, बकायदा पत्र लिखना पड़ेगा और एक दो हफ्ते बाद जब तुम्हारे पड़ोसी के पास वो पत्र आएगा तो मिल जाएगी बॉल। यही है यार पढ़े लिखे लोगों का तरीका। पैसे तो बहुत है मेरे पास क्योंकि मैं रईस हूँ दिल से भी और वैसे भी। ओ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बता भी किसे रही है, सलमान भाई को। बेटी वो सामने खड़ा इंसान तुम्हारी 4 पुश्तें खरीद लेगा दिल से भी और वैसे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना, अगर गलत हुआ तो बहुत पिटोगे। तो बताओ अगर समुंदर के बीच नींबू का पेड़ है तो उस नींबू को कैसे तोड़ोगे? सर मैं चिड़िया बनकर तोड़ूंगा। आदमी को चिड़िया क्या तेरा बाप बनाएगा? तो बीच समुंदर में नींबू का पेड़ क्या तेरा बाप लगाएगा? पापा आपके लिए खुशखबरी है। वो क्या है? पापा आपने कहा था ना कि मैं पास हो गया तो आप मुझे गाड़ी दिलवाएंगे। हाँ तो? पापा आपके पैसे बच गए गाड़ी के। चिंता मत करो, तुम अकेले थोड़ी फेल होगे, तुम्हारे साथ तुम्हारा गर्लफ्रेंड लोग भी फेल होगा ना। सर लड़कियाँ फेल नहीं होती सर, वो कर लेती है। लड़कियाँ फेल नहीं होती, हम लड़के लोग बेवकूफ होते हैं, हम पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, लड़कियाँ सोते सोते भी पढ़ लेती हैं, वो कर लेती हैं उनको। क्या हुआ भाई? अरे बोल भी ले कुछ ना। बता, मैं तेरे से बात ही नहीं करती। जो सिलेबस ही क्यों बनाते हो तुम लोग? अगर तुम्हें पेपर आउट ऑफ सिलेबस ही देना है तो जो पूरी किताब पढ़ लो और फिर पेपर में कुछ अलग ही काले अक्षर आ रहे हैं। मैं कहा ये कौन से काले अक्षर है भाई, जो किताबों में नहीं थे पर पेपर में हैं। है यार स्कूल वालों का सीन ही समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्लास में पढ़ा रहे हैं A4 एप्पल, होमवर्क में दे रहे हैं 1 apple + 1 apple = 2 apple और एग्जाम्स में दे रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द एप्पल। अबे यार ऐसे थोड़ी होता है। जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। तुम बेवकूफ हो? नहीं मैम, आप अकेले खड़ी थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ऑटोमेटिकली डंगर्स प्याजी लोगे गुगली सी टप। बच्चों बताओ कौन सा प्लैनेट सूरज के सबसे करीब है? सबसे करीब। बताओ जल्दी। बता रही हूँ ना, मर्क्यूरी है। बिल्कुल सही जवाब, मर्क्यूरी है। बेटा बताओ टेंस कितने प्रकार के होते हैं? सर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। शाबाश, एक एग्जांपल दो। कल आपकी बेटी को देखा था, आज प्यार करता हूँ और कल भगा कर ले जाऊंगा। नटूरे नटूरे फटूरे फटूरे सोच लो जी ईज़लैंड। रब ने बना दी जोड़ी है। एग्जाम सर क्यों बना दिया है? क्यों नहीं हो पाती यार पढ़ाई? नहीं हो पाती, इनको क्यों समझ नहीं आता? एग्जाम के एक दिन पहले रात में मैं सदमे में बैठा होता हूँ।
फिर उस दिन मैंने ट्रंक खोला, उसमें से बुके निकाली, फूक मारी, पूरे कमरे में धूल धूल हो गए, जैसे कभी बुक टच ही ना की हो, ऐसी पड़ी हुई थी। मैं अंदर खोल के देखा, एकदम कोरे कागज, एक पेन का निशान नहीं था और एक बुक पड़ी हुई। मैंने कहा मालियो ये कब खरीदी थी मैंने, ये हालत है मेरी। और मैं अपने दोस्त को फोन कर लो, भाई इतना झूठ बोलते ना कभी, सब कुछ पढ़ के बैठे होंगे पर बोलेंगे भाई कुछ नहीं पढ़ा यार, अभी तो बुक खोली है, ऐसा करेंगे। और भाई जो शीट मांगते, मुझे इनसे प्रॉब्लम नहीं है, पर लिमिट में तो मांगो ना, हम गरीब भी तो बैठे, मैम शीट दे दो, मैम शीट दे दो, मैम शीट। अबे कोई शीट ले रहा है या पीछे खा रहा है मायू, कर क्या रहा है? और जो एग्जाम डिसीशन करते ना, वो भाई ये वाला करके आया था तू? अरे यार ये तो ऐसा था, इसमें तो टेबल बनना था, टेबल बनाना था भाई, मैं तो कुर्सी बना के आया, मेरा क्या होगा? और भाई कुछ बंदे तो आपकी फाड़ने में लगे रहते हो, वो भाई तूने वाला करा, और भाई ये तो सबसे इंपॉर्टेंट था, ये वाला चैप्टर करके जाइए, ये ऊपर से खबर आई, ऊपर से मैं ऊपर से आ रहे, ऊपर चाचा रहते ना। हाँ चिंटू क्या कर रहा है? एग्जाम है पढ़ ले भाई। टेंथ और ट्वेल्थ बोर्ड वालों जरा सा भी टेंशन मत लो, लोग तुम्हें बोलेंगे कि पेपर बहुत टफ आता है, बहुत टफ आता है, कुछ टफ नहीं आता, मैंने खुद ने दो बार दिए हुए, सब आसान आता। और भाई पढ़ाई कैसी चल रही है? भाई पढ़ाई के पैर में दर्द है तो चल नहीं पा रही। चारों ओर पढ़ाई का साया है, एग्जाम में जीरो आया है, हम तो यूं ही चल देते बिना मुंह धोए एग्जाम देने, और दोस्त कहते लगता है रात भर पढ़कर आए। तो कुछ लोग मेरे से कह रहे थे कि साइंस के लिए भी थोड़ा कुछ बोल दो, तो आज दो लाइंस साइंस के लिए। तो अर्ज किया है, टेंथ के बाद साइंस बुलाती है, टेंथ के बाद साइंस बुलाती है मगर जाने का नहीं। और अगर तुम लोग टॉपर हो तो तुम्हारी तो माया ये लगे भाई, तुम्हें नहीं भी बुलाती है ना साइंस, तुम तब भी घुस जाते हो जाके, इसलिए मैं तुमसे तो बात कर ही नहीं रहा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देना, अगर गलत हुआ तो बहुत पिटोगे। तो बताओ, अगर समुंदर के बीच नींबू का पेड़ है तो उस नींबू को कैसे तोड़ोगे? सर सर मैं चिड़िया बनकर तोड़ूंगा। आदमी को चिड़िया क्या तेरा बाप बनाएगा? तो बीच समुंदर में नींबू का पेड़ क्या तेरा बाप लगाएगा? वैसे डोरेमोन बहुत मेहनत कर रहा है, मुझे भी होमवर्क पूरा कर ही लेना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, होमवर्क करो। अब मैंने ठान लिया है तो जरूर करूँगा। एग्जाम सब खत्म होने वाले होते हैं ना, तो हमारे अलग ही प्लान्स बन चुके होते हैं। ओहो अब तो डाइट करेंगे, घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और पता है रियलिटी क्या होती है? फोन चलाएंगे, सोएंगे, फिर उठेंगे, खाएंगे, फिर फोन चलाएंगे, फिर सो जाएंगे। पूरी इंग्लिश की बुक पढ़ ली है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अच्छा पेपर जाएगा कल का, बट यार सोने से पहले एक बार रिविजन कर लेता हूँ। अरे कल तो इंग्लिश का पेपर है, बट मुझे क्या, आई आर वेरी इंटेलिजेंट इन इंग्लिश, आई नो इंग्लिश वेरी पर्सनली, लाइक सो मच सो मच वेरी वेरी मच, सो जाता हूँ। रब ने